कराची में जेल चौरंगी के करीब एक और खौफनाक आतिशबाजी। 6 सुपर स्टोर में लगी आग 4.5 घंटे बाद भी बेकाबू है, जबकि फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की टीम्स भी इमदादी कामों में पेश हैं। एक शख्स झुलस कर जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुएब बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये जेल चौरंगी करीब जो निजी स्टोर में आतिशबाजी का जो वाक्य पेश आया, उसमें इस कदर धुआं ज्यादा है कि मेरा बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आग का कहने उनका फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग को जो फैलने से रोक दिया गया है। ताहम जो है वो जो अंदर कुछ शोले मौजूद है जिनको बुझाने की कोशिश की जा रही है, जिसका धुआं जो ज्यादा होता रहा है क्योंकि वहां पर प्लास्टिक मौजूद है। इसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक की चीजें मौजूद है उसका जो केमिकल है वो बुझने में थोड़ा वक्त लगाता है, वो आग को फैलने में मदद देता है। इसके साथ साथ तकरीबन 13 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल जो है वो मौजूद है, जो कि इस वक्त भी जो है वो शोलों पर जो काबू पाने की कोशिश कर रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 70% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है, फायर फाइटिंग का सिस्टम भी वो भी जारी है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर फायर सिस्टम का जो निजाम था फायर का आग को बुझाने का, वो जो है वो मजबूत नहीं था, अच्छा नहीं था। अगर वो बेहतर होता तो शायद ये खुद भी अपने तौर पर कोशिश कर सकते थे इब्तदाई तौर पर, तहम अंदर सिस्टम बेहतर नहीं था, इस वजह से भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मुर्तजा वहाब यहाँ पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि सबसे पहले अवली तरजीह है लोगों की जान बचाना, नुकसान कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर जो फ्लोर्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तकरीबन 160 अपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम अपार्टमेंट्स को जो है वो खाली करा लिया गया है लोगों से। इब्तदाई तौर पर इतला मिली कि सीसीटीवी ऑपरेटर जो है वो स्टोर का वो अंदर मौजूद है, फंसा हुआ है, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक हुई कि कोई स्टोर ऑपरेटर वहां पर मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी नहीं। ताम धुएं से कुछ अफराद जो है वो जख्मी, कुछ अफराद जो है वो दम घुटने से बेहोश हुए थे, जख्मी नहीं बल्कि बेहोश हुए थे। उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया, फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है और कहा यह जा रहा है कि 70% जो काबू पाया गया और मजीद काबू पाने की कोशिशें जो वो जारी है। जी ठीक है शुएब, जब से ये वाकया हुआ आप वहीं पर मौजूद हैं और हमें रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो भी जरूर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।